गुड मॉर्निंग क्लास. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर सेकेंड. आज हम जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फोर है उसका पार्ट सेकेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. या चैप्टर फोर इज एयर एंड वी डिस्कस टुडे चैप्टर नंबर पेज नंबर 35. हम पेज नंबर 35 पर डिस्कस करने वाले हैं. यस, टेम्परेचर. लास्ट वीडियो में भी हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था. टेम्परेचर क्या शो करता है? हॉटनेस या कूलनेस को, कि एयर के अंदर कितना हॉट है या कितना कूलनेस है, वो चीज़ों के टेम्परेचर. तो यह आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. यस, देखिए, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. यहाँ ये बोल रहा है अर्थ है, अर्थ पर ज़रूरी नहीं कि जो इंसुलेशन मतलब जो सन की रेडिएशन है सभी एक जैसी आ रही हो. लाइक हमने पढ़ा था बहुत सारे चैप्टर में, इक्वेटर पर जो सन रेज होती है वो क्या आती है, डायरेक्ट आती है. तो यहाँ रेडिएशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. फिर पोलर पर क्या होती है, कम जाती है सन रेज, तो ये क्या रहता है, कूल रहता है. तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन मतलब जो सन की जो रेडिएशंस आती है वो अर्थ पर ज़रूरी नहीं हर जगह एक जैसी हो, कहीं पर ज़्यादा आती है, कहीं पर क्या आती है, कम आती है. यस, देयरफोर टेम्परेचर वेरीज एट डिफरेंट प्लेस. और हर जगह जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है. जैसे पोलर जो होते हैं यहाँ पर हेमस्फीयर में क्या होता है, बहुत ही कूलिंग ठंडा होता है. वहीं हम बात करें इक्वेटर की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हॉटनेस मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कूलिंग यहाँ होती है, या इसे फ्रिज जोन भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ऑलवेज क्या रहते हैं, कूल ही रहते हैं. इसलिए फिर देखिए यस स्टूडेंट्स, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो यहाँ बताया है. फर्स्ट जो फैक्टर बताया है, लैटीट्यूड ऑफ ए प्लेस, कि जो प्लेस है, जो जगह है, वो किस लैटीट्यूड पर है. जो लैटीट्यूड जो लाइन्स हैं उसमें कौन सा प्लेस है, उस पर क्या डिपेंड करती है, उसके ऊपर भी हमारा जो टेम्परेचर डिपेंड करता है. यस, देखिए, लैटीट्यूड ऑफ ए प्लेस, देन अलैटीट्यूड. अलैटीट्यूड से मतलब होता है सी से कितना लेवल पर है, सी से हाइट कितनी उस जगह की. तो वो उस चीज़ पर एक तो फैक्टर डिपेंड करता है, एक है डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, सी से दूरी कितनी है, वो चीज़ भी टेम्परेचर को डिसाइड करती है. एंड ओशियन करंट्स जो होती है, ओशंस में आने वाली जो वेव्स होती है, वो भी क्या डिसाइड करती है, टेम्परेचर को डिसाइड करती है. फर्स्ट जो है लैटीट्यूड ऑफ ए प्लेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे. अमंग ऑल द फैक्टर्स लैटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ ये बोल रहा है अगर हम सारे फैक्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है लैटीट्यूड, कि जो प्लेस है, जो जगह है, वो किस लैटीट्यूड पर सिचुएटेड है. फिर देखिए, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीज टूवर्ड द पोल्स. यहाँ ये बोल रहा है जो इक्वेटर होता है वहाँ पर जो इंसुलेशन मतलब जो सन की जो रेज आती है, रेडिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है. और वहीं अगर हम पोल्स की बात करें तो यहाँ क्या होता है, जो इंसुलेशन होता है मतलब जो सन की जो रेज आती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. तो यस, देयरफॉर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल्स द टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेजुअली. तो यहाँ ये बोल रहा है अगर हम कहाँ जाएंगे, इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा. यही अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. और इधर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. सेकेंड जो पॉइंट है वह एलैटीट्यूड. एलैटीट्यूड का मतलब होता है जो समुद्र से उस प्लेस की ऊंचाई कितनी है. मतलब अगर समुद्र यहाँ पर है तो उस प्लेस की, जैसे कि वो प्लेन यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है, मतलब समुद्र से उसकी ऊंचाई कितनी है, सी लेवल से उसकी कितनी हाइट पर है, वो चीज़ कहलाती है अलैटीट्यूड. यस, देखिए, द हायर वी असेंड द लोअर इज़ द टेम्परेचर. यहाँ बोल रहा है जैसे जैसे हम द हायर हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, लोअर. कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो जो टेम्परेचर क्या होता है, कम. मतलब समुद्र के आसपास तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है. और जैसे ही हम यहाँ से दूर जाते जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज मतलब कम होता जाता है. फिर देखिए, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लोअर लेयर ऑफ एयर नियर द सर्फेस आर डेंसर दैन अपर लेयर. तो यहाँ बोल रहा है जो लोअर लेयर जो होती है एयर की, वो क्या होती है, नियर द सर्फेस होती है, वो जो डेंसर होती है, और जो अपर लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती है. फिर देखिए, द परमानेंट स्नो कैप्स ऑन हाई माउंटेन्स इवन इन लो लैटीट्यूड इंडिकेट द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन हायर अलैटीट्यूड.
यहाँ ये बोल रहा है कि अगर अर्थ लैटिट्यूड मतलब समुद्र से ज़्यादा ऊंचाई होगी तो वहीं पर ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़ हमें वहीं देखने को मिलते हैं जब क्या होगी समुद्र से ऊंचाई ज़्यादा होगी। समुद्र के आसपास हमें बर्फ के पहाड़ नहीं देखने को मिलते क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बर्फ के पहाड़ कैसे देखने को, वो तो मेल्ट होकर कहाँ मिल जाएगी, सी में ही मिल जाएगी। तो जब समुद्र से ऊंचाई ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ कम होता जाता है और वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से हमें जो ग्लेशियर्स है या सी जो माउंटेन्स है आइस माउंटेन्स हमें सी से समुद्र से दूरी पर ही देखने को मिलते हैं। फिर देखेंगे फॉर एग्जांपल माउंट केन्या इवन थ्रू लोकेटेड एट द इक्वेटर इज कोल्ड इनफ टू हैव परमानेंट स्नो कवर ऑन इट्स पीक। जो माउंट केन्या है उसकी जो क्या है जो इक्वेटर है वहाँ से भी क्या है दूरी काफ़ी है और जो सी लेवल से भी इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी पीक है मतलब इसकी जो चोटी है माउंटेन की वो हमेशा किससे कवर रहती है, स्नो मतलब बर्फ से कवर रहती है। और उसका क्या रीज़न है कि उसकी जो समुद्र से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ हॉटनेस नहीं है, यहाँ क्या है बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा ठंडा की, इसलिए यह ऑलवेज किससे कवर रहता है, स्नो बर्फ से कवर रहता है। यह सब नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी कि जो लैंड है और जो सी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम यहाँ देखेंगे कि लैंड एंड वाटर बॉडीज़ हीट अप एंड कूल डाउन डिफरेंटली। जो यहाँ बोल रहा है जो लैंड है एक सिंपल प्लेन लैंड है उसको जो गर्म होने में और ठंडा होने का जो टाइम है वो अलग होता है और वही अगर हम वाटर बॉडी कि कोई नदी है या तालाब है या सी है या ओशन है उसको जो कूल होने में और हॉट होने में उसका जो टाइम होता है अलग अलग होता है। मतलब एक लैंड का टाइम और एक वाटर बॉडी का जो टाइम होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है हॉट होने के लिए या कूल होने के लिए। देखिए यस लैंड गेट हीटेड एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर। यहाँ ये बोल रहा है जो लैंड है ना क्या होती है हीट एंड कूल जाए तो गर्म होना या ठंडा होना बहुत ही जल्दी होती किससे वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज़ को ठंडा होने और गर्म होने में दोनों में टाइम लगता है लेकिन जो एक लैंड है वो क्या होती है फटाफट से ठंडी भी हो जाती है और फटाफट से गर्म भी हो जाती है। यस हैंस टेम्परेचर रिमेन हाई ऑन लैंड ड्यूरिंग द डे। इसलिए जो टेम्परेचर जो होता है लैंड पे क्या रहता है हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डे दिन के समय और लो ड्यूरिंग द नाइट। और नाइट के वक्त जो लैंड पर जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है लो रहता है कम रहता है। और ऑन दी अदर हैंड वाटर बॉडीज लॉन्गर टाइम टू हीट और कूल। और जो वाटर बॉडीज जो होती है वो लंबे समय तक या तो हॉट या कूल रहती है क्योंकि इनको हॉट होने में भी टाइम लगता है और कूल होने में भी टाइम लगता है बल्कि लैंड को इतना टाइम नहीं लगता है। दस द एरिया नियर द सी हैव मिडिल और मॉडरेट क्लाइमेट। इसी वजह से यहाँ ये बोल रहा है जो एरिया सी लेवल के पास में होगा तो वहाँ पर जो टेम्परेचर हमेशा ऑलवेज इंक्रीज ही रहता है। वो क्यों रहता है क्योंकि वहाँ जो सी लेवल है आसपास पानी भरा हुआ है तो उसको ऑब्वियसली गर्म होने में और ठंडा होने में क्या लग रहा है टाइम लगता है, इसलिए वहाँ जो टेम्परेचर जो रहता है माइल्ड और मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। अब नेक्स्ट जो है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स से मतलब है जो ओशियंस में जो वेव्स जो आती है उससे यहाँ मतलब है। द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड एडजेंट लैंड एरिया कंसिडरेबली। तो यहाँ ये बोल रहा है जो ओशियन जो करंट्स है वो भी क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की जो आसपास की जो लैंड्स हैं उनको ओशियन करंट्स क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। देखिए वार्म ओशियन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया। यहाँ ये बोल रहा है अगर वार्म करंट्स होगी ओशियन में जो लहरें जो होगी वार्म होगी गर्म होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा वेयर कूल्ड ओशियन करंट मेक द अगर वार्म होगी तो वो आसपास के एरिया को जो वो वेव से क्या करेगी वार्म गर्म करेगी और वहीं कूल है तो वो उस एरिया को क्या करेगी कूल ठंडा करेगी। ओशियंस में जो करंट्स आ रही है अगर वो ठंडी आ रही है तो आसपास के एरिया को भी क्या कर देगी कूल कर देगी कूल कर देगी। और अगर ये ओशियन से जो वेव्स आ रही है वो क्या आ रही है वार्म आ रही है तो उसको क्या कर देगी उस आसपास के एरिया को क्या कर देगी वार्म करेगी। यहाँ ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट में फॉर एग्जांपल ड्यू टू कॉल्ड लैब्राडोर करंट। जो कूल मतलब जो ठंडी लैब्राडोर मतलब करंट को नेम दिया मतलब उन वेव्स को नाम दिया है लैब्राडोर करंट है द कैनेडियन कोस्ट रिमेन फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर। तो जो लैब्राडोर जो वेव है वो क्या होती है ठंडी होती है तो जो यहाँ ये बोल रहा है जो कैनेडियन जो कोस्ट है हमेशा क्या रहता है फ्रीज जोन मतलब जमा हुआ या ठंडा ही रहता है। और ऑन द अदर हैंड वार्म नॉर्थ अटलांटिक में क्या होती है जो ड्रिफ्ट होती है वो क्या होती है गर्म होती है नॉर्वे कीपिंग इट प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर। तो इस वजह से जो मतलब विंटर्स में भी फिर वहाँ का मौसम क्या रहता है अच्छा क्योंकि वेव्स क्या होती है वार्म आती है तो ऑब्वियसली गर्म और ठंडा मिलकर जो टेम्परेचर है वो क्या बना रहता है प्लीजेंट मतलब एक अच्छा क्लाइमेट वहाँ क्रिएट होता है ड्यूरिंग द विंटर। ऑल द बोथ प्लेसेज आर
ऑन द सेम लेटीट्यूड देयर टेम्परेचर डिफरेंट। अब यहाँ ये बोल रहा है इन दोनों जो टेम्परेचर का लेटीट्यूड तो सेम था, लेकिन इन वेव्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। कि वहाँ टेम्परेचर ठंडा है, वहाँ ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो प्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छा टेम्परेचर है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इन ओशियन करंट्स की वजह से। ये ओशियन समुद्र में जो लहरें आ रही है, वो ओशियंस में जो करंट्स आ रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यस, देखिए, ड्यू टू द अबाउट मेंशन फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, जो ऊपर हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं, पांच चार जो फैक्टर पढ़े हैं कि सी से डिस्टेंस है, जो ओशन जो करंट से होती है, लैटीट्यूड और अनलैटीट्यूड, इनकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो अर्थ पर हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है। हर जगह हमें क्या है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, नॉट यूनिफॉर्म है। इट वेरी हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। चाहे भले वो वर्टिकल हम देखें या हॉरिजॉन्टल देखें, हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर डिफर मिलता है, मतलब अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है अर्थ पर। यह सब हम जो डिस्कस करेंगे, एयर प्रेशर, क्या डिस्कस करेंगे हम, एयर प्रेशर, मतलब जो हवा का जो दाब लगता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यस, क्या होता है एयर प्रेशर, देखिए स्टूडेंट्स, एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। हवा के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। और ये प्रेशर कब लगता है, जब अर्थ की सरफेस पर लगता है तो हमें फील होता है, हवा फील होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ ये बोल रहा है जो हवा का जो प्रेशर है वो जब अर्थ की सरफेस को टच करता है तो ये चीज़ कहलाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। इवन थ्रू द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट सो मच प्रेशर, यहाँ ये बोल रहा है एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। वी डू नॉट फील इट, कि हम उसे फील नहीं कर सकते। जो प्रेशर आता है इतनी फास्टली आता है, इस तरह से आता है कि हम उसे फील नहीं कर सकते उस प्रेशर को। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर ऑन आर बॉडी इज़ काउंटर बैलेंस फ्रॉम विद इन। क्योंकि जो प्रेशर आ रहा है हवा का, और जो हमारी जो बॉडी है उसमें एक काउंटर बैलेंस बन जाता है, तो इस वजह से हम जो उस प्रेशर को, कि हवा के प्रेशर को क्या नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते हैं। यस, एटमॉस्फेयरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ बैरोमीटर। जो इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है अभी, उसको हम किससे, एक बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है उससे मेज़र करते हैं कि जो अभी जो हवा का जो प्रेशर है कितना है। बैरोमीटर को वायु दाब मापी भी हिंदी में बोलते हैं, कि उससे हम वो एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं। इट इज़ मेज़र्ड इन मिली बार्स एंड एक्सप्रेस्ड एज ए एम बी। और फिर हम इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, मिली बार में। जो एयर प्रेशर है उसको किस में, किस फॉर्म में बताते हैं या किस यूनिट में बताते हैं, तो मिली बार की। हवा को जो मापने की इकाई या यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मिली बार बोलते हैं। नॉर्मल प्रेशर एट द सी लेवल इज़ अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर। यहाँ ये बोल रहा है जो अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करें सी लेवल के, यहाँ तो वो कितना रहता है, 76 सेंटीमीटर रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयरिक प्रेशर इज शॉन ऑन ए मैप बाय आइसोबार्स। यहाँ ये बोल रहा है जो एटमॉस्फेयरिक जो प्रेशर है, इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मैप में, जो शो करते हैं उसे किस कैसे शो करते हैं, आइसोबार के थ्रू शो करते हैं। एन आइसोबार क्या होता है, देखिए, एन आइसोबार एक इमेजिनरी लाइन है। हमने पहले भी पढ़ा था न्यूवर्स में, आइसोबार क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन ऑन मैप, जो मैप में ड्रॉ की जाती है, कनेक्टिंग प्लेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, ताकि जो जो उस प्रेशर को क्या किया जा सके, इक्वली क्रिएट किया जा सके। मेज़र करने के लिए वो ऐसे एक बेल्ट क्रिएट करते हैं। आपको एक प्रेशर बेल्ट यहाँ दिखाई दे रही होगी, डायग्राम आपको दिख रहा है कि किस तरह से वो प्रेशर बेल्ट वर्क करती है। वार्म करंट एंड कूल करंट, एक तो जो करंट्स दी गई है यहाँ पर वो आप लोग देखेंगे। यस, सबसे फर्स्ट तो यस, यूं जो करंट एक ये है सारी, तो वार्म करंट कूल करंट, वार्म करंट और फिर कूल करंट, इस तरह से क्या आ रही है, आ रही है। और जो ऊपर हम देखेंगे तो ये वाला जो है वो है हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर जो पोलर के यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट है वो कौन सी है, हाई है। उसके बाद सब पोलर की अगर हम बात करें तो लो प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद हम बात करें तो वापस कौन सी बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर ये इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है। फिर वापस से वही, अगर यहाँ पर कौन सी होगी, हाई प्रेशर बेल्ट,
लो प्रेशर बेल्ट देन हाई प्रेशर बेल्ट, इस तरह से ये होती है। और ये इक्वेटोरियल है, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। यस, पोलर के पास जो रहती है वो हाई प्रेशर बेल्ट रहती है, और यहाँ पर जो इक्वेटर के यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। और इस तरह से वार्म करंट्स और कूल करंट्स एक दूसरे से क्या हो रही है, आ रही है और जा रही है। यस, फिर देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, टू फैक्टर्स यहाँ बताए हैं, एक तो एल एटीट्यूड एंड टेम्परेचर। दो फैक्टर कौन से हैं, एल एटीट्यूड एंड जो टेम्परेचर। एल एटीट्यूड देखिए, सबसे फर्स्ट एल एटीट्यूड में क्या होता है, देखिए एल एटीट्यूड है एज वी गो हायर, यहाँ ये बोल रहा है जब हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब समुद्र लेवल से हमारी जब ऊंचाई बढ़ जाती है तब की ये बात कर रहा है। द एयर बिकम थिनर और लेस डेंसर, तो वहाँ जो एयर जो होती है वो क्या होती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है, कम घनी हो जाती है। सो द ऑल प्रेशर डिक्रीजेस, तो यहाँ पर जो क्या हो जाता है, एल एटीट्यूड पर जो प्रेशर क्या हो जाता है, सारा डिक्रीज हो जाता है, मतलब एयर प्रेशर जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। और एट सी लेवल एयर प्रेशर इज़ हाई, और यही हम समुद्र लेवल की अगर बात करें तो वहाँ जो एयर प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। द फॉलोइंग टेबल शो डिक्रीज एयर प्रेशर विद द इंक्रीज, या एक टेबल्स के थ्रू, कि जैसे सी लेवल है तो सी लेवल अगर 5 है, सी लेवल 5 है तो वहाँ पर जो क्या हो रहा है, एयर प्रेशर कितना है, 540 है। फिर जैसे ही 15 हुआ सी लेवल से, मतलब और ऊपर गए तो 120 हो गया, मतलब प्रेशर कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जाए, और 25 पर गए तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह से यहाँ बताया है कि जैसे जैसे हम सी लेवल से क्या जाएंगे ऊपर, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है टेम्परेचर, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है, सेकेंड उसमें वर्ड जो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एटमोसफियर का जो प्रेशर है उसको, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, वेयर एयर गेट हीटेड अप, यहाँ ये बोल रहा है एयर जैसे जैसे क्या होती है, हीट गर्म होती जाती है, इट एक्सपांड एंड बिकम लाइटर, तो ये क्या होती है, एक्सपांड होती है और बिकम हाई लाइट होती जाती है, जो एयर प्रेशर होता है वो लाइट होता जाता है। दिस हॉट एयर रेजेस अपवर्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया, तो जैसे जैसे अपवर्ड जा रहे हैं तो जो क्रिएट होता है वो कौन सा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कूलिंग ऑफ एयर रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से जो क्या होता है, कूलिंग जो होती है, ठंडापन जो आता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक सिकुड़न हो जाती है हवा की। फिर दिस इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, जैसे जैसे एयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी क्रिएट हाई प्रेशर एरिया, तो जो प्रेशर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। यह सब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, जो टॉपिक है हमारा प्रेशर जो बेल्ट, कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्रेशर बेल्ट स्टूडेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ ये बोल रहा है एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है सब जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह पर जो प्रेशर है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। अर्थ सरफेस 4 डिफरेंट प्रेशर बेल्ट, यहाँ इन्होंने बताइए 4 टाइप्स की जो प्रेशर बेल्ट है। फर्स्ट जो है इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, फर्स्ट जो प्रेशर है इक्वेटर पे कौन सी प्रेशर बेल्ट रहती है उसकी हम यहाँ बात करेंगे, कि इक्वेटर पे किस तरह से प्रेशर रहता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड जो है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, फिर है सब पोलर प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो फर्स्ट जो है, दीज प्रेशर बेल्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये प्रेशर बेल्ट किसकी वजह से क्रिएट होती है, एक तो जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और अर्थ का जो रोटेशन चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये क्या होती है, प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। तो फर्स्ट जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हम यहाँ पढ़ेंगे क्या होती है। देखिए, दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द इक्वेटर टू अबाउट 5 degrees नॉर्थ से लेके 5 degrees साउथ तक, यहाँ बताया हुआ है ये बेल्ट कहाँ पर है, इक्वेटर से 5 degrees नॉर्थ में और 5 degrees साउथ में। फिर इन दिस रीजन टेम्परेचर इज हाई, ऑब्वियसली इक्वेटर के पास में तो इस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और
इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है इक्वेटर के पास में हाई रहता है, सो द एयर प्रेशर इज़ ऑलवेज लो। टेम्परेचर हाई है तो जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या रहता है, लो रहता है। दैट इज़ वाई दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड डॉल ड्रम्स, इसलिए इसे इस एरिया को डॉल ड्रम, डॉल ड्रम का मतलब है मतलब इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो क्या रहता है, शांत रहता है। और शांत क्यों रहता है, क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट यहाँ रहती है, इस वजह से जो आसपास का इक्वेटर के नॉर्थ वाला 5 डिग्री तक और साउथ वाला 5 डिग्री तक क्या रहता है, शांत एरिया रहता है, मतलब ज़्यादा हवाओं का दबाव यहाँ नहीं होता है। सेकंड जो आप प्रेशर बेल्ट हम वो पढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखिए क्या है, दिस बेल्ट एक्सटेंड बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, जो ऊपर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उससे जो इसका जो रहता है वो कितना रहता है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक रहता है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। ये कहाँ से रहती है, सब इससे रहती है, ये वाला एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। यस देखिए, हियर द विंड्स आर ड्राई एंड काम, यहाँ जो हवाएं जो चलती है वो कौन सी चलती है, शांत हवाएं चलती है। सब ट्रॉपिकल में जो होती है यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो कौन सी चलती है, शांत और ड्राई सूखी हवाएं चलती है यहाँ पर। फिर देखिए सब पोलर, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इनको जो नाम दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, इसे कौन सी लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड भी इसे बोला जाता है। अब है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। यस देखिए, दिस बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन 60 to 65 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर में जहाँ 60 और 65 के बीच में ये होती है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, वहाँ सिचुएटेड होता है स्टूडेंट्स। यस देखिए, द विंड्स कमिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिक्स, जो हवाएं हैं वो कहाँ से आती है, सब ट्रॉपिक एंड पोलर एरिया कवरेज इन दिस रीजन, और फिर इस एरिया को कौन सा एरिया, पोलर एरिया कवर कर लेता है। ड्यू टू ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द विंड्स, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस रीजन, और इसी की वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो तूफान आते हैं वो यहीं प्रोड्यूस होते हैं, इस एरिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया में कौन क्या बनते हैं, साइक्लोनिक तूफान जो चक्रवात जो आता है वो इसी एरिया में आता है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया में। फिर जो नेक्स्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, लास्ट जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो देखिए, यस एट पोल्स द टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट एंड थस द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट, यहाँ बोल रहा है पोल ये जो होता है अर्थ के ऊपर, ये जो पोल है यहाँ पर जो क्या होता है, टेम्परेचर तो क्या रहता है, लो रहता है, क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है तो जो टेम्परेचर तो क्या रहेगा, लो रहेगा, और जो प्रेशर है एयर प्रेशर है वो क्या जाता है, बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर, एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और टेम्परेचर जो क्या है बहुत ही लो रहता है इन एरिया में, पोल्स की अगर हम बात करें तो। यस तो ऑल दीज प्रेशर बेल्ट आर नॉट परमानेंट इन नेचर, यहाँ ये बोल रहा है जो ये प्रेशर है इनका जो नेचर है वो परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं कि ये जो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, इनका जो प्रेशर है वो ऐसा ही रहेगा। व्हेन द सन अपीयर टू मूव टूवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सन क्या करेगा, मूव करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, तो द ट्रॉपिक ऑफ प्रेशर जो बेल्ट है मूव टूवर द नॉर्थ, तो अब जो वो किस तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करेगी। और व्हेन अब सन अपीयर टूवर्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जब सन कहाँ से अपीयर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द प्रेशर बेल्ट मूव साउथवर्ड, तो जो प्रेशर बेल्ट है वो साउथ की तरफ मूव होगी। तो इस तरह से जो जब चेंज होता है, अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करेगी, तब तो क्या होगा, ये प्रेशर बेल्ट भी क्या होगी, चेंजेस हो जाएगी। यस यहाँ एक दिया हुआ है, डिड यू नो, आप लोग अपनी बुक में देखिए, इट इज़ सैड दैट सेलर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेसल्स विद कार्गो ऑफ हॉर्स सेल अंडर काम कंडीशंस, जो हम बोल रहे हैं जो सेलर जो नाविक होते हैं उन्हें काम कंडीशंस में जो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है रास्ते, सो दे थ्रू हॉर्सेस इन द सी मेक द वेसल लाइट, दिस रीजन इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, और इसी जो रीजन को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं।
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, आर नेक्स्ट टॉपिक इज विंड्स, जो हवाएं हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है विंड्स, हवाओं की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। यहाँ ये बोल रहा है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाना और हॉरिजॉन्टल जाना, वो चीज़ क्या कहलाती है, विंड्स, हवाएं कहलाती है। कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाना और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जाना क्या कहलाती है, विंड्स, हवाएं कहलाती है। फिर देखिए, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और ये हवाएं जो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ किसकी तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। विंड्स वेन इज़ यूज फॉर फाइन डायरेक्शन ऑफ विंड, वाइल एनोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। यहाँ देखो, एक विंड वैन मतलब दिशा सूचक, ये बताता है कि डायरेक्शंस बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कि इधर वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसके लिए विंड वैन का यूज़ किया जाता है। और एनेमोमीटर का जो यूज़ किया जाता है वो मेज़र विंड, जो हवा है उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से हवा चल रही है, उसको मेज़र करने के लिए एनोमीटर का यूज़ किया जाता है। और विंड वैन का जो यूज़ किया जाता है वो डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड इज़ डिटरमाइंड बाई वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। यहाँ ये बोल रहा है जो हवा है, विंड है, उसकी स्पीड कितनी है, ये हम कैसे, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कितना है या एयर प्रेशर कितना है, उससे हम हवा का ये डिसाइड करते हैं कि हवा का जो प्रेशर है वो कितना है, वो इसकी वजह से ये जो फैक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, जो हवा है उस एक तो उसको जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करने के लिए एनोमीटर यूज़ किया जाता है, और विंड वैन जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो यहाँ इस पार्ट सेकंड में इस वीडियो में हमने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट जो हमने टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या, कि या बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कूल है, कि टेम्परेचर हाई हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉटनेस है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग है, तो ये चीज़ होती है टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स भी हमने देखे हैं, कि सबसे फर्स्ट है वो किस लैटीट्यूड पर सिचुएटेड है, वो जगह है वो किस लैटीट्यूड पर है। फिर अलटीट्यूड मतलब कि उसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है वो हमने देखा है। फिर ओशियंस के अंदर करंट्स जो आती है उनसे हम डिसाइड करते हैं टेम्परेचर को। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, कि किस तरह से जो लैंड है और जो सी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके से हमने देखा कि वो ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। देन वी टॉक अबाउट प्रेशर, कि प्रेशर के बारे में हमने, कि एयर प्रेशर जो हवा का जो दबाव लगता है वो कैसे होता है। फिर जो एयर प्रेशर को भी दो चीज़ें कंट्रोल करती है, एयर एटीट्यूड एंड टेम्परेचर। कि एयर एटीट्यूड, जैसे जैसे हम समुद्र से ऊँचे जाएंगे तो जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर हमने जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, कि फोर टाइप्स की जो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटर पर जो होता है शांत रहता है, फिर यहाँ जो प्रेशर बेल्ट होती है वो अलग होती है, फिर मिड में जो प्रेशर बेल्ट होती है वो अलग होती है, मतलब अलग अलग सब पोलर, पोलर और इक्वेटर पर जो प्रेशर बेल्ट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। देन वी लास्टली वे डिस्कस विंड्स, हवाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, कि जो हॉरिजॉन्टल मूव करती है और कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हवा कहलाती है। आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है विंड वेन एंड एनोमीटर का, कि किस तरह से जो हवा की जो स्पीड है उसको मेज़र किया जाता है और किस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। तो यस स्टूडेंट्स, नाउ आर पार्ट सेकंड इज़ कंप्लीट, इस चैप्टर का हमारा पार्ट सेकंड जो है कंप्लीट हो गया है। पार्ट थर्ड है, उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो विंड्स हवा है उसके जो टाइप्स है वो, टाइप्स ऑफ विंड्स वी डिस्कस इन पार्ट थर्ड। मॉइस्चराइजर जो नमी होती है वो डिस्कस करेंगे, रेनफॉल बारिश के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज इन पार्ट सेकेंड। तो यस स्टूडेंट्स, योर पार्ट सेकेंड इज कम्प्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।